आपका स्टडी आईक्यू अकेडमी में मैं हरिओम आपका स्वागत करता हूं। आज आपके लिए मैं लेके आया हूं 10 दिसंबर 2018 का करंट अफेयर्स का वीडियो, जो कि डेली लेके आता हूं, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 7 दिसंबर को, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा आपका। तो आप हम जान लेते हैं इसके बारे में। तो इसकी थीम क्या थी, ये आप फोटो देख लो, फोटो से क्या है आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो 7 दिसंबर को मनाया गया था, तो ये फोटो से क्या आपको अच्छे से याद हो रहा है। इसकी थीम थी, थीम देखो, थीम थी वर्किंग टुगेदर टू इंक्रीज नाउ कंट्री इज लेफ्ट बिहाइंड। तो इसकी ये थीम थी, आपको याद करना है। और इसके बारे में जान लेते हैं, मतलब डे का क्वेश्चन आया है तो डे के बारे में जान लेते हैं कि कौन कौन से डे को कौन सा क्वेश्चन ये मनाया गया था दिवस, क्योंकि इसके क्या होता है रिवीजन हो जाएगा। तो मैं आपके लिए डेली बताता हूँ इसके बारे में। तो 1 दिसंबर को कौन सा डे मनाया गया था, वर्ल्ड एड्स डे मनाया गया था और BSF डे मनाया गया था। तो इसके दिन 2 इंपॉर्टेंट डे मनाए गए थे, ये आपको याद रखने हैं। 2 दिसंबर को कौन कौन से डे मनाए गए थे, तो इसके दिन मनाए गए थे वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे और नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे। तो 2 ये इंपॉर्टेंट डे मनाए गए थे, ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको याद रखना है। 3 दिसंबर को मनाया गया था इंटरनेशनल डे ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटी, इंटरनेशनल डे ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटी। तो ये डे मनाया गया था 3 दिसंबर को। 4 दिसंबर को कौन सा मनाया गया था, भारतीय नौसेना दिवस मनाया गया था। और 5 दिसंबर को मनाया गया था विश्व मृदा दिवस, तो ये आपको याद रखना है। और 7 दिसंबर के दिन कौन सा एक और दिवस मनाया गया था, सशस्त्र सेना झंडा दिवस, ये भी मनाया गया। तो ये आपको क्या है याद रखना है। तो ये देख लो, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस कब मनाया गया, 7 दिसंबर को। तो ये आपको याद रखना है। और इसकी PDF लेने के लिए आप इंस्टाग्राम व्हाट्सअप ग्रुप लिंक दे मिलेगी आपको, और टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में। हाल ही में रूफटॉप सौर ऊर्जा परियोजना के लिए नाबार्ड ने किसके साथ समझौता किया? तो नाबार्ड ने किसके साथ समझौता किया है, इसने किया है GSF के साथ समझौता। तो यहाँ बात तो ये GSF की, तो GSF के बारे में जान लेते हैं। चलते हैं GSF के बारे में। तो GSF के बारे में ये देखो, GSF की फुल फॉर्म होती है ग्रीन क्लाइमेट फंड। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, GCLP की होती है ग्रीन क्लाइमेट फंड ये। और इसकी स्थापना कब की गई थी, इसकी स्थापना की थी गई थी 2010 में, इसकी स्थापना की गई थी। और GCF क्या होता है इसके बारे में बता देता हूँ, ये होता है छत पर सोलर पैनल लगाए जाते हैं। इसमें क्या करवाए जाते हैं, छत के ऊपर क्या है, सोलर पैनल लगाए जाते हैं। तो ये आपको याद हो गया। और नाबार्ड की बात हुई तो नाबार्ड के बारे में जान लेते हैं। तो नाबार्ड इसका लोगो होता है ऐसा। नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या होती है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी फुल फॉर्म होती है, ये आपको याद रखना है। स्थापना कब की गई थी, 12 जुलाई 1982 को स्थापना की गई थी नाबार्ड की। इसका एक हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। इसके चेयरमैन कौन है, इसके चेयरमैन है नाबार्ड के हर्ष कुमार बनवाला, इसका चेयरमैन है। तो आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, हाल ही में रूप टॉप सौर ऊर्जा परियोजना नाबार्ड ने किसके साथ समझौता किया, तो किसके साथ किया है, GCF के साथ समझौता किया है। इसके बारे में आपको मैंने बता दिया है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ID84 India क्रिएटिव सॉल्यूशन यूजिंग टेक्नोलॉजी को किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है इसको, इसको लॉन्च किया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मंत्रालय। तो यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा आपका। तो अपन जान लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मंत्रालय के बारे में। तो इसके मंत्री कौन है, इसके मंत्री है रविशंकर प्रसाद, जो कि आपको फोटो में दिख रहा है, कि फोटो से अच्छे से याद हो जाता है, इसलिए मैं आपके लिए फोटो लेके आता हूँ। अपने दोस्तों के साथ अच्छी वीडियो लग रही हो तो शेयर करना ना भूलें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आतंकवाद से निपटने के लिए नया ढांचा किसने लॉन्च किया? तो हाल ही में आतंकवाद से निपटने के लिए नया ढांचा किसने लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया है संयुक्त राष्ट्र, मतलब यूनाइटेड नेशन ने लॉन्च किया है। तो यह बात हुई यूनाइटेड नेशन की, तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो इसके बारे में क्या है, ये देख रहे हो आप लोगो, तो ये किसका लोगो है, यूनाइटेड नेशन का लोगो है। तो इसकी स्थापना कब की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना की गई थी। यूनाइटेड नेशन डे कब मनाया जाता है, तो ये कब मनाया जाता है आपसे पूछ लिया गया था, तो ये 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि स्थापना इसकी 24 अक्टूबर को की गई थी 1945 को, इसलिए 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है। सिक्योरिटी जनरल कौन है यूनाइटेड नेशन के, तो इसके सिक्योरिटी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस, इसके चेयर सिक्योरिटी जनरल है। तो ये आपको याद हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सड़क सुरक्षा पर 2018 वैश्विक रिपोर्ट
स्थिति रिपोर्ट किसने जारी की है, तो ये किसने जारी की है, ये WHO ने रिकॉर्ड जारी की है, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर होता है। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे इसमें सड़क परिवहन सड़क सुरक्षा देख करके डायरेक्ट परिवहन मंत्रालय लगा देंगे, तो ये गलत हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें WHO। तो WHO की बात हुई यहाँ, तो WHO के बारे में जान लेते हैं। WHO का लोगो, तो ये WHO का लोगो देख लो ऐसा होता है। तो WHO की फुल फॉर्म क्या होती है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी 7 अप्रैल 1948 को। हेडक्वार्टर कहाँ है, जेनेवा, जेनेवा में। जेनेवा कहाँ पर पड़ता है, स्विट्जरलैंड में जेनेवा पड़ता है। तो यहाँ पर इसकी राजधानी है, ये हेडक्वार्टर है, सॉरी। और 1.35 मिलियन लोगों की मौत हो गई है, ये किसके हिसाब से हो गई थी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो रिपोर्ट जारी की उसके हिसाब से 1.35 मिलियन लोगों की हो गई मौत हो गई है। तो हाल ही में सड़क सुरक्षा पर 2018 से स्थिति की रिपोर्ट किसने जारी की है, तो ये WHO ने की है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है खाद्य और कृषि संगठन ने किस वर्ष को बाजरा का वर्ष, मतलब इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स किस मनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो किसने मंजूरी दी, कौन से वर्ष में मनाने की मंजूरी दी है, 2023 में। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। तो 16 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना की गई थी और 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, रोम, रोम कहाँ पर पड़ रहा है, इटली में रोम पड़ता है। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसने रोम में ग्लिंका वर्ल्ड सोइल प्राइज 2018 जीता। तो किसने जीता है, रतनलाल ने, तो ये जीता है रतनलाल ने। इनको क्यों मिला है, इनको मिला है स्थायी मिट्टी प्रबंधन और मिट्टी संसाधनों की सुरक्षा में इनके उत्कृष्ट योगदान के लिए ग्लिंका वर्ल्ड सोइल प्राइज अवार्ड दिया गया है इनको, इसको मिला है। तो ये आपको दिख रहा है ये प्राइज दिया जा रहा है, तो ये आपको फोटो से अच्छे याद हो रहा होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है एशियन टूर ऑर्डर ऑफ मेरिट जीतने वाले सबसे युवा भारतीय कौन बन गए। तो सबसे युवा भारतीय कौन बन गए, तो ये बन गए शुभंकर शर्मा, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको फोटो दिख रही है, इनके हाथ में ये दिख रहा है, तो ये आपको पता चल गया होगा कि किसने मिला है, शुभंकर शर्मा जी को मिला हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में आई एल ओ की रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक लिंग मजदूरी अंतरण किस देश में है, तो किस देश में है, तो इसके बारे में जान लेते हैं अपन। तो आई एल ओ की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इज इसकी फुल फॉर्म होती है, तो आपको याद रखना है। इसकी स्थापना कब की गई थी, स्थापना की गई थी 29 अक्टूबर 1919 को स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में अमेरिका की ओर से किसे संयुक्त राष्ट्र में राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया, तो किसे नियुक्त किया गया, हीतर नाउटर को क्या नियुक्त किया गया है। इससे पहले कौन थी, इससे पहले थी निकी हेली, यहाँ बात तो ये संयुक्त राष्ट्र की, इससे पहले बता दिया या फिर भी मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ। तो यहाँ क्या है, इसकी स्थापना कब की गई थी, 24 अक्टूबर 1945 की स्थापना की गई थी और 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे मनाया जाता है। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क, इसका सेक्रेटरी जनरल कौन है, एंटियो गुटेरस इसका सेक्रेटरी जनरल है, तो ये आपको याद रखना है। ये फोटो दिख रही है, ये किसकी है, हीतर नाउटर की है, तो ये आपको राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन इन आज अभी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो इनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। जो भी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देगा उसका मैं नाम कल वाली वीडियो में लिखूंगा, तो ये आपको याद रखना है। हाल ही में आर्थिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो किसे नियुक्त किया गया, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। श्री रंगराजन, मोटेंक सिंह अहलुवालिया, कृष्णामूर्ति सुब्रमण्यम, सतीश शर्मा। दूसरा क्वेश्चन है आज का, हाल ही में अपने सभी सार्वजनिक परिवहन को निशुल्क करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है, तो इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। जापान, USA, ऑस्ट्रेलिया, लग्जमबर्ग, तो ये आपको आंसर लिखना है। ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो को अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटा दबाए, इससे क्या है आपको जो भी मैं वीडियो डालूंगा वो तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, कल मिलते हैं, थैंक यू।